Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 7th of December 2020 and we will be discussing the news from The Hindu and Indian Express. Jo news aapko aaj padhni chahiye, let us have a look. The Hindu ke front page pe this is a report, Meghalaya village turns an oasis in coal mine desert. तो मेघालय का एक विलेज है मूला माइलियांग. सो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट अ फ्यू ईयर्स बैक द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैड डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट इन विच इट हैड बैंड रैट होल माइनिंग. एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रैट होल माइनिंग बंद कर दी थी. अब रैट होल माइनिंग होती क्या है? इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर हैजर्डस एंड आर्डवस माइनिंग टेक्निक where miners crawl into winding underground tunnels that are just 4 to 5 feet in diameter to extract coal from the deep seams with a pickaxe. यानी कि बहुत ही छोटी छोटी tunnels होती हैं जिसके अंदर miners जो हैं वो crawl करके यानी कि रेंगते हुए अंदर जाते हैं और coal को extract करके बाहर लाते हैं. It is a very dangerous technique geographically भी, ecologically भी और human health wise भी. It's a very dangerous and very difficult technique to extract coal. इसलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसे बैन कर दिया था 2014 में. और तब के बाद से कुछ विलेजेस थे जहां पर इस बैन को अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया और उनमें जो सबसे फ्रंट रनर है दैट वाज मूला माइलियांग. सो दिस कैन बी अ इकोनॉमिक, दिस कैन बी अ इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हाउ क्लाइमेट चेंज कैन बी रिवर्स्ड, ऑफ हाउ डेंजरस ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी स्टॉप्ड एंड द नेचर कैन बी रिवाइव्ड. तो ये जो हेडलाइन है इसका मतलब यही है, टर्न्स एन ओएसिस इन अ कोल माइन डेजर्ट. वहां पर थाउजेंड्स ऑफ कोल माइंस हैं लेकिन उनमें ये एक विलेज है जिसने उस बैन को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है एंड नाउ इट हैज प्रॉस्पर्ड अगेन विद ऑल द इकोलॉजिकली यू नो फ्लोरा एंड फौना एंड ऑल द प्लांट्स एंड स्पीशीज. सो इट्स अ ग्रीन डॉट इन दैट ब्लैक लैंड नाउ. तो ये एक एग्जाम्पल है. यूपीएससी मेन्स के सिलेबस में आपको जो मॉडल्स पूछे जाते हैं, दिस कैन बी अ मॉडल वेयर द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कैन बी रिवाइव्ड एंड क्लाइमेट चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड हाउ the role of NGT also comes into picture. The National Green Tribunal, 2010 mein National Green Tribunal banaya gaya tha with its main bench in New Delhi. To iska kya role hai, kya mandate hai? It's a statutory body, so how it is working, some other important judgments of NGT, taki aapko ek overall agar perspective aaye that what is the role that the NGT has played in protecting the green environment or in protecting the climate change, then you can write about it. उसके बाद support widens for Bharat Band call. Now the protesting farmers in and around Delhi have given a call of Bharat Band on 8th of December. तो ये political news है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपने नहीं देना. But again, this is the news that is running in a chain. तो आपको इसकी developments पर ध्यान रखना है. What are their demands? What is the government willing to give to them? What is the government not willing to give to them? What are the points of contention? ये सब आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, राइट? देन ऑन पेज नंबर 6 एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल इज कल्चर एंड पीस. काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, कल्चर एंड पीस. इसमें यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस UNAOC नाम की एक बॉडी है जहां पर इंडिया ने जब एड्रेस किया तो बहुत ही ज्यादा UNAOC को कंडेम किया बिकॉज इट वॉज सिलेक्टिवली प्रोटेक्टिंग ओनली इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुदाइज्म. तो UNAOC जो है अपने डिसीजन से सिर्फ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म यानी कि अब्राहमिक रिलीजन्स को ही प्रोटेक्ट करने की बात कर रही थी, विच वॉज अ सिलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ सिलेक्टिव ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द रिलीजन्स एंड बायस अगेंस्ट अदर रिलीजन्स, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस तरह के रिलीजन्स के खिलाफ, खिलाफ भी नहीं कहेंगे बट देर नॉट, देर आर बायस्ड अगेंस्ट दीज रिलीजन्स. तो इंडिया ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहां पर इशू की है दैट UN शुड ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली. सो वट इज UN अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस, UNAOC, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है वो क्या है, इसमें इंडिया का क्या रोल रहा है एंड हाउ वी कैन कनेक्ट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस विद द ईथोस ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इंडिया स्टैंड्स फॉर.
तो इसमें भी यही कहा गया है दैट इंडिया स्टैंड अगेंस्ट यूएन सिलेक्टिविटी ऑन रिलीजन्स गेन्स फोर्स फ्रॉम इट्स सेक्युलरिज्म, दैट्स बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, दैट्स व्हाई इंडियाज वॉइस विल बी हर्ड एट द ग्लोबल लेवल ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, सेक्युलरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है तो करंट अफेयर्स में सेक्युलरिज्म दोबारा से रेलिवेंट हो जाता है. देन देयर इज अ क्रिटिकल आर्टिकल ऑन द लेबर कोड्स, चार लेबर कोड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली है उनके ऊपर एक क्रिटिकल आर्टिकल है कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑल्सो यू हैव टू रीड. एंड द थर्ड वन इज टेन्यूअस टैक. नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो ये तीन आर्टिकल्स हैं जो आपने आज एडिटोरियल पेज पे पढ़ने हैं. दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन टू होल्ड द रेट्स वेयर दे आर. तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को वहीं पे होल्ड करके रखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने. कल ही उसकी रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. सो यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो इसमें आपको बताया हुआ है कि कैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है इट इज फोकसिंग मोर ऑन ग्रोथ एंड लेस ऑन इन्फ्लेशन. एक टाइम था जब वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ काम कर रही थी, बट नाउ इट इज गिविंग डिसीजंस विच आर प्रो ग्रोथ. एंड मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइम्स वी आर लिविंग इन. वी आर एक्सपीरियंसिंग अ लो ग्रोथ इकोनॉमी फॉर द लास्ट मेनी क्वार्टर्स. इनफैक्ट द जीडीपी इज कॉन्ट्रैक्टिंग. लेकिन वो कोई खास बात नहीं है बिकॉज द वर्ल्ड ओवर इट इज द सेम फिनोमिनन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड द लॉकडाउन दैट रिजल्टेड फ्रॉम इट. तो यहां पर आपको ये देखना है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने जो नया फ्रेमवर्क अपनाया है इज इट फेवरेबल टू द इकोनॉमी और नॉट इन द लॉन्ग रन. क्या अभी अगर वो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं विल दिस सपोर्ट बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन और नॉट. तो इसमें वो अच्छे से समझाया गया है. डू रीड इट फॉर इंडियन इकोनॉमी सेक्शन. ऑन द ओपीईडी पेज, द पेज नंबर सेवन पे सिर्फ एक आर्टिकल है जिसे आप पढ़ सकते हैं. True fiscal responsibility. Slashing public expenditure amid a recession is a recipe for serious economic disaster. तो इसमें यही कहा गया है कि already Indian economy जो है वो recession में चल रही है और अगर ऐसे time में government अपनी spending को कम कर देती है then it will be economic disaster because government needs to increase its spending to revive the sentiment in the economy but the government is doing otherwise. तो ये article आपको पढ़ना है again for the Indian economy perspective. Then, not much important news here. यहाँ पर थोड़ी सी defense related news है, but until something concrete happens, you do not have to do that. कोई भी चीज़ का proposal बन रहा है, Navy is trying to buy something, Army is trying to buy something, कोई law का draft बन रहा है, you should not concern yourself so much with these things until and unless that there is a deal, there is a contract. You should not concern yourself with that. क्योंकि ये जो news हैं जब तक वो finality में नहीं आती, unless and until they achieve finality, you do not have to burden yourself with that. Then we move on to the next newspaper, which is the Indian Express. Indian Express में page number 1 पे after Pfizer पुणे लैब सीक्स नॉड फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ इट्स ऑक्सफोर्ड वैक्सीन. तो फाइजर जो है ये पहली ऐसी ड्रग मेकर है जिसने इंडियन गवर्नमेंट से इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मांगी थी फॉर द कोविड वैक्सीन. नाउ देयर इज अ सेकंड कंपनी, सेकंड लैब विच इज बेस्ड इन पुणे दैट हैज सॉट द सेम परमिशन. तो इंडिया ऑलरेडी 500 मिलियन डोजेस कमिट कर चुका है फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड बेस्ड वैक्सीन और नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन how this particular plan will pan out because in India we need more than 800 million doses. तो क्या इंडिया उन्हें एक ही कंपनी से एक्वायर करेगा, क्या उन्हें अलग अलग कंपनी से एक्वायर किया जाएगा, it remains to be seen. We are these days in the process of finalizing how the vaccine is to be procured and how it is to be administered. So काफी सारी इस तरह की न्यूज आपको देखने को मिलेंगी. Then the city pages which you can skip.
on the explained page, page number 11, which is the most important page for us in the Indian Express, page number 11, explained page. तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है एक इकोनॉमी पे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. तो इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस के बाद से जो लॉकडाउन हुआ पिछले 7-8 महीनों में, जो इंडियन इकोनॉमी की हालत चल रही है, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड द हाउस होल्ड इनकम एंड हाउस होल्ड स्पेंडिंग, और कैसे धीरे धीरे इकोनॉमिक रिकवरी आएगी. बिकॉज स्टिल वी आर गेटिंग द डेटा ऑफ क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड इनफैक्ट क्वार्टर 3 इज गोइंग टू एंड बाय द डिसंबर. तो अभी तक जीडीपी की कॉन्ट्रैक्शन की ही फिगर्स आ रही हैं. The GDP is contracting, so we do not know when we will be at par and when we will start growing again. तो इसमें ये सारा analysis किया गया है कि household incomes और household spending किस तरह से effect होंगी और कैसे economic recovery possible हो पाएगी. So this is a good analysis written by 4 authors. So it's a very good article. You should read it on Indian Economy. Then this article. Where Rohingya are being sent, a newly surfaced island of Bengal. Rohingya issue के बारे में आपको पता होना चाहिए. Myanmar में Rohingyas जो थे, they are Muslims in the in a province in Rohingya, in a province in Myanmar. तो वहाँ से ethnic conflict हुआ, तो वो वहाँ से migrate कर गए. Many of them came to India, many of them went to Bangladesh as well, which became a huge issue 4 to 5 years back. और अब उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए बांग्लादेश में एक आइलैंड पर भेजा गया है, विच इज़ अ न्यूली सर्फेस्ड आइलैंड. तो वो सारा कुछ जो है यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया गया है. यू शुड रीड अबाउट इट. ऑन पेज नंबर 12, विच इज द एडिटोरियल पेज, देयर इज ओनली वन आर्टिकल विच यू स्पेसिफिकली नीड टू रीड. क्लियर द स्मोक, क्लियर द स्मोक, ये वाला आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है. दिस वन, इंडिया हैज वोटेड विद अदर कंट्रीज एट यूनाइटेड नेशंस टू नो लॉन्गर ट्रीट कैनाबीस एज अ डेंजरस ड्रग, डीक्रिमिनलाइजेशन मस्ट फॉलो. सो कैनाबीस जो है इसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए यूएन में एक कैंपेन चल रहा है एंड इंडिया हैज सपोर्टेड दैट कैंपेन, क्योंकि कैनाबीस जो है इसको एक ड्रग जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है कई कंट्रीज ने. इंडिया ने भी अंडर द NDPS एक्ट, यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत कैनाबिस को एक इलीगल ड्रग डिक्लेयर किया हुआ है. बट इट हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड इट शुड बी अलाउड टू बी ग्रोन इन एन ऑर्डिनरी वे जस्ट लाइक एनी अदर प्लांट. तो इसको डीक्रिमिनलाइज करने की तरफ ध्यान देना चाहिए. दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग. काफी अच्छा इसमें सब्सटेंस यूज और नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में बताया गया है. And this article is making a case for decriminalizing cannabis. तो इस regarding आपको कोई भी question आता है, you can attempt by reading this particular article. तो ये article आपको पढ़ना है. Then another general article which you can read is this, in a new climate. तो climate change के ऊपर एक article है. It's a general article. मतलब कोई specific incident के ऊपर based नहीं है. It's a general article. So you can read this article. बट ये वाला आपको डेफिनेटली करना है एंड यू शुड नोट इट डाउन वेयर एवर यू आर मेकिंग योर नोट्स एज वेल. ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, द आइडियाज पेज. इसमें ये जो आर्टिकल है, स्टबिंग आउट अ क्राइसिस, ई सिगरेट्स कुड बी बैंड प्रॉम्प्टली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स. तो ये एक सक्सेस मॉडल दिखाया हुआ है. अगेन देयर इज इन यूपीएससी देयर इज अ टॉपिक मॉडल्स एंड देयर व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम. तो अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिनसे हम सीखते हैं. जैसे एक प्रीवियस वीडियो में हमने कर्नाटका मॉडल देखा. कर्नाटका में एक जगह है जिसपे हमने देखा कि टाइगर पॉपुलेशन कैसे ग्रो की है, 6-fold ग्रोथ इन टाइगर पॉपुलेशन इन द लास्ट 45 ईयर्स. तो दैट इज अ मॉडल विच इज फॉर अदर्स टू रेप्लीकेट. सिमिलरली ई सिगरेट्स को बैन करने में गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से अपनी विल पावर दिखाई, पॉलिटिकल विल दिखाई और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स भी लगे. सो हाउ इट कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर इन अदर एरियाज फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो. तो ये आर्टिकल भी आपने पढ़ना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर दोज थिंग्स दैट हेल्प मेक अ पर्टिकुलर पॉलिसी अ सक्सेस. सो दीज आर ऑल द न्यूज दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम दीज टू न्यूज़पेपर्स टुडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑफ ऑल द वीडियोज एट द लेटेस्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.